क्या रे? ऐसा चलाने को क्या होता तेरे को? सेठी 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 किधर है लड़का? अबे वापस ले जा, दिखता नहीं अंधा है क्या? ये हराम को किस को लेके सड़क साफ मजदूर है, चल अंदर। एक काम करो, तुम लोग सामान उतारो और अंदर जाओ। ए तू गाड़ी लेके जा, भाड़े का पैसा बाद में ले ले, चल बाद में दूंगा, चल। आराम से आराम से। मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है, जरा तुम्हारा ये पेंट पॉलिश कम इस संभाल के मारना, इधर उधर गिरना बिल्कुल नहीं गिरेगा। और इस काम को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? कम से कम 5 दिन लग जाएंगे। 5 दिन तू काम कर, चल चल। देखो जी सर जी, घर में दुनिया भर के कीमती चीजें पड़ी हैं, जरा संभाल। सर जी मेरे पास दुनिया भर के सबसे बेहतरीन मजदूर है, वो संभाल के काम करते। ए, चुप रे, चुप। सर जी सॉरी, सर जी वो संभाल के काम करेंगे। अबे क्या तोड़ा बोतल, तेरा सत्यानाश हो। क्या करूँ, कोके का निचला हिस्सा फट गया। अब मैं तेरी तू मसाले। क्या दुकानदार से भीख मांग मांग के मैंने 3 बोतल ली थी पॉलिश की। हाँ। अब क्या करेंगे? आ गए। कौन आ गया? लड़के वाले आ गए। अरे अरे जल्दी कार साफ कर, जल्दी कर, एक रुपया नहीं रहना चाहिए, साफ कर। कह रहे क्या बोले तू? 5 दिन का खर्चा होगा, तेरे बाप के घर से निकलेगा, 2 दिन के अंदर काम खत्म हो जाना चाहिए, समझे? नमस्ते बहन जी, नमस्ते। ये मेरे पूजने पिताजी की तस्वीर है, मेरी हर सुबह रोज इनको प्रणाम करने से शुरू होती। ये तस्वीर बंगाल के मशहूर चित्रकार सुदीप जैन ने बनाई थी, उस जमाने में 1 लाख रुपए दिया था इस तस्वीर के सामने, आज तो इसकी क्या वैल्यू है जी, है? अब कैसे टूटा ये? नीरा वो तो मेरे को भी मालूम है। ये देवा मैं क्या करूं तुम लोगों का? तोड़ दी, तोड़ दी मेरी घड़ी, तोड़ दी। तुमको मालूम है कितनी महंगी है ये? अरे चिंता आ रहा हूँ। अरे इधर आ, देखिए क्या किया, मेरी घड़ी तोड़ दी। घड़ी? सारा पैसा इससे वसूलना होगा। सर जी घड़ी कितने में पड़ेगी? अरे मेरे दादाजी के जमाने की थी। हाँ हाँ भाव बच गए, महंगी नहीं पुरानी है, सोचा नहीं है। 50,000 रुपए की थी ये। सुनिए जरा, वो दहेज के पैसे लेकर इधर आइए। आया आया। ए चिंतन इसको छोड़ना नहीं, गेट कीपर को बोल दे इसको बाहर नहीं जाने दे। हाँ सेठ जी। तेरी तोंद में छेद कर दूंगा साले। मैंने नहीं गिराया भाऊ, इसने गिराया। ये क्या किया तूने? मैंने क्या किया भाऊ? आप किया? जल्दी से साफ कर, मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखता हूँ, जल्दी कर। ठीक है करता हूँ भाऊ, देखना कोई देख तो नहीं? हाँ देख रहा हूँ ना। कांच हाथ से साफ करो। जल्दी कर जल्दी कर। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। अबे जल्दी कर, अबे जल्दी कर, जल्दी कर, कोई आ जाए। अरे क्या हुआ? इसने रंग सारी मिठाइयां खराब कर दी, और ये देखो मेरा हाल। होली है भाई, होली है। बुरा नाम खोरो, हराम खोरो, तुम लोगों ने गांठ बांध के रखी है कि मेरी बेटी की शादी तुड़वा के रहोगे, हराम खोरो। क्या हुआ? इसकी तो बत्ती गुल हो गई। इसकी बत्ती गुल हुआ तो जमाना हो गया, तेरे को अभी पता चला? अरे अरे इस लफंग अस्पताल में जाकर फेंक कराओ। यहाँ पड़े पड़े इसकी जान निकल गई तो मेरे सिर पे जिम्मेदारी आएगी। सर जी मेरे लिए तो यही अच्छा, मर जाए। सेठ जी रस्म शुरू होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है, मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे क्या मुसीबत है, मिठाइयाँ गई भाड़ में। अरे मेरी बेटी को तैयार करो रस्म के लिए। क्या रहे ऐसे? आए थे मेरा घर सजाने, उजाड़ के चले गए, उल्लू कचर है। पैसा चाहिए। किस लिए? अभी इसको अस्पताल में ठूसना पड़ेगा ना। 3-4 करोड़ जेब में दूं तेरे को? दूं, अंदर से निकाल साले, उसको उठा के बाहर फुटपाथ पे फेंक दे, समझे? म्युनिसिपैलिटी गाड़ी उठा के ले जाएगी, नहीं तो उसका अंतिम संस्कार का खर्चा भी मेरे को ही देना पड़ेगा। चल रोक 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 रोक। बासमती चावल 2-3 दिन चला लेना। लाए तो 1 हफ्ते का ही खरीद लाते। अरे खरीदा नहीं है, चुरा के लाया हूँ।
क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है पेपर में। शिल्पा शेट्टी का लगन हो गया भाऊ। तो हम लोग क्यों रोए? वो उसकी तकदीर है, तू काम कर जाके चल। शिल्पा शेट्टी का ब्याह हो गया है। कैसा चल रहा सब कुछ? हाल चावल तो है भाऊ, पर पकाने की जगह कहाँ है? वो भी मैं ही ढूंढू, दल्ला हूँ गाँव का। अरे उस घर में जगह है पकाने के लिए, उधर की हिडम्बा मना कर रही है। फिकर मत करो। हाँ। उसको। अरे वो नहीं पटेगी। दिखाओ दिखाओ। जी नमस्ते। आपने मुझे देखा नहीं होगा, लेकिन आपने सुना होगा मेरा नाम सचिन। सचिन के बारे में? सचिन तेंदुलकर? नहीं नहीं, तेंदुलकर नहीं, सचिन टिचकुले। टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का मालिक। वो म्यूनसिपालिटी का बस स्टॉप जो है 30 लाख का मेरी कंपनी ने बनाया। सत्यम हाउसिंग कॉलोनी 100 करोड़ की मेरी कंपनी ने बनाया। टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी वर्ल्ड फेमस है। ओ ठेकेदार। हिंदी में ऐसे कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ कुछ नहीं बनवाना है। जी मैं काम मांगने नहीं आया हूँ, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, बल्कि मेरे पास इतना काम है, इतना काम है कि वो करने के लिए मेरे पास मजदूर कम पड़ रहे हैं। तो मैं तुम्हें क्या मजदूर दिखती हूँ? नहीं नहीं, क्या है मैं अपने मजदूरों का बहुत ध्यान रखता हूँ। मेरे मजदूर मेरे भगवान जैसे, सारा दिन मेहनत करते रहते, अगर सही उनको खाना नहीं मिले तो बेचारे थक हार के टूट जाएंगे। दाल चावल बिल्कुल तैयार है, बस दीदी इतनी सी जगह चाहिए आपके घर में पकाने के लिए, बस इतनी जगह। पर मेरे मैनेजर ने बताया आपने उनको मना कर दिया। मुझे मेरे पति से पूछना होगा। दीदी आप मुझे अपना देवर समझिए, खाली एक दो दिन की बात है, मजदूरों का भला हो जाएगा, आपको दुआएं देंगे। प्लीज दीदी। हाँ, दीदी मैं आपको मेरी कसम है। ठीक है ठीक है, लेकिन ये काम फटाफट हो जाना चाहिए। अरे दाल खिचड़ी बनाने में कितना वक्त लगता है दीदी, फटाफट हो जाएगा, परेशानी नहीं आई शपथ। अच्छा बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बस दया चाहिए।